चलिए आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल हेल्दी टेस्टी शरबत। पूरा वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ बड़े से भगोने में मैं 1.5 लीटर दूध डाल देती हूँ। तो देखिए ये 1.5 लीटर दूध है और दूध को हम उबाल आने देते हैं। दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए दूध दोस्तों कितना ज़्यादा गाढ़ा है, ये देखिए। कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले ली हूँ, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच दूध डाल देते हैं। इसका हम घोल बनाएंगे और दूध को हम साइड में रख देते हैं उबलने के लिए। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, इधर हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। मसाला आपको दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा पिस्ता है, थोड़ा सा काजू बादाम है, 10 से 12 यहाँ पे खजूर है। खजूर का मैं बीज निकाल ली हूँ। और ये जो कटोरी में काजू बादाम पिस्ता है ना, इसे हम बारीक कट करेंगे गार्निश के लिए। गुलाब का सूखा पत्ता है, 1/2 कप बादाम पाउडर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काजू बादाम पिस्ता और ये खजूर को हम मिक्सी जार में रख ली हूँ। 2 बड़े चम्मच दूध डाल देते हैं, इसे हमें बारीक पीस लेना है। और यहाँ पे देखिए दूध में भी उबाल आ गया है, तो आज को हम स्लो कर देते हैं। ये देखिए दूध को ज़्यादा नहीं उबालना है, एक ही उबाल आने देना है। अब इसमें हम बादाम पाउडर डाल देते हैं। इसमें दोस्तों इलायची डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बादाम पाउडर में इलायची रहता है। और यहाँ पे देखिए पिस्ता खजूर काजू बादाम को मैं पीस ली थी, इस तरह ये पेस्ट हो गया है। तो ये पेस्ट भी हम दूध में डाल देते हैं। इसे हम इस तरह चला देते हैं। दोस्तों फिर से बोल रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मीठे के हिसाब से यहाँ पर मैं शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर दोस्तों अपने मीठे के हिसाब से डालिएगा। इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए हल्का पक गया था ना, तो यहाँ पर मैं ये कस्टर्ड का जो घोल बनाई थी ना, ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। ऐसे चलाते रहेंगे ताकि गुलठिया ना पड़े। ये देखिए अभी इतना पतला है ना, तो इसे हम और पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट के करीब हो गया है पकते हुए। तो अब हम इसमें सूखे हुए गुलाब के पत्ते डाल देते हैं। अब शरबत को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं। ऐसे हम दूसरे भगोने में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो दोस्तों ठंडा होने के लिए इसको हम फ्रीज में रखेंगे, तो अभी तुरंत नहीं रखेंगे। हल्का इसका भाप निकाल देते हैं, देखिए कितना सारा भाप है। ये देखिए अब ठंडा होने के बाद में ये और भी हल्का गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रीज में 2 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा होने के लिए। ये देखिए 2 घंटे के बाद मैं निकाल रही हूँ फ्रिज में इसे। और ये देखिए जब ये ठंडा हो गया है ना, तो ये और भी थिक हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे ये देसी जो केला है ना, इसे बारीक कट करके मैं डाल देती हूँ। भीगे हुए सब्जा बीज डाल देती हूँ, सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदा करता है। तो शरबत दोस्तों बन गया है। अब इसमें हम ऊपर से गार्निश करने के लिए सभी ये पिस्ता काजू बादाम बारीक कट करके डाल देते हैं। अब ये देखिए शरबत कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। गिलास में निकाल लेते हैं। और दोस्तों इसे शरबत को मुझे फातिया भी कराना है, तो इस तरह मुहर्रम स्पेशल शरबत बनाइए, पिलाइए, बांटिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।